नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो मुद्दा एक बार फिर सहकारिता विभाग से जुड़ा है, क्योंकि हमने लगातार आपको सहकारिता विभाग के घोटाले का अपडेट दिया था। और बॉबी राव जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल पर और साथ में विनय यादव जी, और इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था और इन्हें उम्मीद थी कि शायद सरकार इसकी बड़े लेवल पे जांच कराएगी। हालांकि एसीबी इसकी जांच कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो। लेकिन इस दौरान एक जो बड़ा वाक्य हुआ, किस तरीके से कहे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई है, उसमें बनवारी लाल जी का नाम है। हालांकि अभी उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो क्या महकमे होंगे, क्या वितरण होगा, वो अभी देखना होगा। लेकिन सवाल हमारा सहकारिता विभाग से जुड़ा है, जो करोड़ों का घोटाला था और कहें एसीबी ने 185 करोड़ तक उस घोटाले को माना था, तो किस तरीके से घोटाला कहें खटाई में पड़ता जा रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। अपडेट क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि जिनका ये महकमा था, जो बनवारी लाल जी थे उस महकमे के चौकीदार, उनका कोई जवाब भी नहीं आया था, कहां सो रहे थे, उसी पे अपडेट करेंगे। साथ के अंदर इलेक्ट्रोल बोर्ड को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि बॉबी राव जी हमारे साथ जुड़े हो, लगातार वो इस मामले पे थे। बॉबी राव जी, आपने तो कहा था सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन कहे तो प्रमोशन कर दिया उनका एक तरीके से। बोला जी, अब कार्रवाई की तो उम्मीद मुझे अब भी है, उम्मीद मेरी मृत नहीं हुई है, कार्रवाई तो होगी इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मगर हाँ, इस बात का जानकर मुझे दुख लगा कि जब मंत्रिमंडल ही जब बदला जाना था, मुख्यमंत्री बदले थे, तो बनवारी लाल जी को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए था। ये तो एक प्रकार से इस इलाके के साथ धोखा ही हुआ है, और धोखा भी दो हुए हैं। पहला धोखा तो ये था कि भाई पिछले 10 साल से हम दक्षिण हरियाणा से विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर दे रहे हैं सरकार को, मतलब पार्टी को, और ऐसे ही लोकसभा की भी पिछली बार पूरा जोर लगा के अहिरवाल ने दक्षिण हरियाणा की सारी सीटें, इवन रोहतक की सीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र हुड्डा को भी हरा दिया था। इसी उम्मीद में थे कि अगर आगे कभी कभार कभी चेंज हुआ मुख्यमंत्री, तो दक्षिण हरियाणा का हमारा चांस पड़ेगा। तो लोगों ने तो बड़ी उम्मीद से पिछली बार भी पूरा जोर लगाया था पार्टी के लिए, और उम्मीद में थे इस बार की भाई हमारा चांस पड़ेगा दक्षिण हरियाणा के मुख्यमंत्री। काफी काफी दशक हो गए, दशकों पहले कभी बने थे, राव साहब बने थे, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। तो इसकी देखो मायूसी तो है इस बात की, और सोने पे सुहागा वाला काम ये कर दिया कि यहाँ का जो एक भ्रष्ट मंत्री था, जिसने कि गांव के गरीब लोगों की आई ग्रांट को लूट लिया और अपनी एक 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड खड़ी कर दी एक महिला के चक्कर में आके, यहाँ के गरीब लोगों का पैसा लूट लिया, उसको फिर दोबारा से मंत्री बना दिया। तो अब ये तो अफसोसजनक बात है, और ये बात भाई पचाने वाली तो नहीं है, मगर क्या करा जाए। आप तो राव के सिपाही हैं, आज आपको मुख्यमंत्री की याद आ गई, राव को बनाना चाहिए। ये तो हमने 3 दिन पहले जब हमने मुद्दा उठाया है, राव में तो दम नहीं है कि वो अपनी मांग कर सके, नूं तो हम कहते हैं अहिरवाल के बड़े कद्दावर नेता है, बड़े दिलेर नेता है, लेकिन जब हक मांगने की बारी आती है तो हम कद्दा तान के सो जाते हैं। और जो घोटाले की बात, जो घोटाले, एक मिनट मेरी बात सुनिए, और जो घोटाले की बात है सहकारिता विभाग में, उस विभाग के जो मंत्री है उनको राजनीति में कौन लेके आए थे? राव इंद्रजीत सिंह लेके आए थे भाई, वो भी जवाब नहीं दे रहे, मंत्री जी भी जवाब नहीं दे रहे, सरकार गिरती है और फिर दोबारा से उनको मंत्रिमंडल में लिया जाता है। तो और आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, नहीं ईमानदार सरकार है भाजपा, साहब को पता चलेगा तो जरूर संज्ञान लेंगे, और 16 तारीख को जो है एम्स का शिलान्यास भी हो लिया, वहां भी आपने मंच पे देख लिया। फिर आपके दावे और वादे, आप राव के सिपाही अपने आप को बताते हैं, कहीं आपकी चलती भी है नहीं चलती? मेरा तो सवाल सबसे बड़ा बस शक आप पर ही हो गया कि राव साहब आपकी भी सुनते नहीं सुनते, या फिर एक नैतिकता बिल्कुल हो गई कि किसी सवाल का जवाब ही मत दो ऊपर से नीचे तक, सब लिप्त है। जिसे इलेक्ट्रोल बोर्ड का घोटाले का मामला आया, ऊपर से नीचे तक तमाम लोग इसमें संलिप्त है, कैसे पैसा आ रहा है, किस तरीके से पार्टी फंड में, तो नहीं लगता सहकारिता महकमा का भी कहीं पार्टी फंड में पैसा गया हो, किसी ने जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा हो, तो कार्रवाई अब करनी नहीं है, जो मर्जी को चिल्ला ले।
सर पहली बात तो ये, बनवारी लाल जी को टिकट हमने 2015 में दिलवाई थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बार बनवारी लाल जी को टिकट मिली तो भाई इलाके के लोगों ने भी कहा और भाई पार्टी ने टिकट दे दी, तो हम तो एक राव साहब तो एक पार्टी के सिपाही होने के नाते जो पार्टी ने, मैंने आपको पिछले आपकी एक भाई डिबेट में भी कहा था कि इतनी टिकटें बटी थी गुड़गांव जिले की, महेंद्रगढ़ जिले की, रेवाड़ी जिले की, नूह जिले की, तो उसमें राव साहब ने कितने टिकटें मांगी थी अपनी, जो पार्टी ने टिकट दी राव साहब ने, तो एक पार्टी के सिपाही कितने काम किया। और दूसरी बात, चीज मांग के नहीं लेनी थी, ये तो एक राव साहब की कर्मठता दिखाई है 10 साल से कि राव साहब ने किसी भी बात पे किसी भी मंच पे पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, ना आपने कभी कोई ग्रीवेंस दिखाई कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है करना है, ये तो राव साहब गलत होता है, कुछ भी होता है, मतलब राव साहब नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे। सर सुनिए ना अब वही है कि भाई जिसको खड़ा नहीं दिखता उसको पड़ा क्या दिखेगा, ये तो पार्टी को ही देखना था कि भाई दक्षिण हरियाणा के लोगों ने राव साहब की एक आवाज पे पार्टी को इतनी सीटें जीत के दे दी थी, और एमपी सीट जो कि ठोक बजा के किसी को विश्वास भी नहीं था कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव हार सकते हैं, ये शायद हरियाणा में किसी को विश्वास नहीं था कि भाई हार जाएंगे चुनाव। मेरा सवाल तो आपके द्वारा उठाए गए मामले का है, सहकारिता विभाग का मामला आपने उठाया था, आप सोचा ये तो पूरे हरियाणा का निकला। सर सुनिए, मैंने सहकारिता विभाग का मामला उठाया था, उसके अंदर रोज कार्रवाई हो रही है, कल भी गिरफ्तारी हुई है, एक 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 अकाउंट अफसर है महकमे का जो कि फर्जी ऑडिट करके रिपोर्ट देता था, उसको कल भी गिरफ्तार किया गया है, 3-4 दिन पहले भी गिरफ्तारी हुई है, एसीबी की कार्रवाई चल रही है। मगर हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बनवारी लाल जी अभी तक बचे हुए हैं, कि मुख्यमंत्री ऑफिस से 3 जो आईएएस अफसर की परमिशन मिलनी थी वो परमिशन अब तक नहीं मिल पाई है, और इसका लाभ उठाते हुए मामला ही एक तरीके से दूसरा हो गया। अब तो भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार ही बदल गई, अब तो नए सिरे से वो मंत्री बने हैं, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा अब तो आप कह भी नहीं सकते, लेकिन सरकार ने तो इनाम दे दिया ना, इनाम देके नवाज दिया ना उनको। केवल उस महकमे में आप पे आरोप लगे थे, अब आपको एक बार हटा के मंत्री दोबारा से बना देते हैं। सर सुनिए, जब इस महकमे के अंदर घोटाला हुआ उस वक्त तो मंत्री जी बनवारी लाल जी थे ना, कोई दूसरा मंत्री ही था, और अगर उनका विभाग अब चेंज कर दिया जाता है तो उससे जो बनवारी लाल जी की जिम्मेवारी है वो उससे कम नहीं हो जाएगी, उनके मंत्री रहते हुए ही सारा ये घोटाला हुआ था, तो कार्रवाई तो अवश्य होगी, अब अवश्य उनका नाम आएगा तो उनपे कार्रवाई होगी, अब देखते हैं कार्रवाई कब होती है, अब चुनाव का भी कल डिक्लेयर कर देगा इलेक्शन कमीशन, अब ये जांच कैसे चलेगी अब इसका तो मैं क्या ही कह सकता, मगर हाँ मेरे पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, अगर यहाँ से सरकार से कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, मैं वहां पे पीआईएल फाइल करूंगा बनवारी लाल के खिलाफ। विनय जी भी हमारे साथ है, जोड़ लेते हैं विनय जी को भी, फिर काफी समय हो गया। विनय जी, हाईकोर्ट जाएंगे, राव की पैरवी कर रहे हैं, सीएम होना चाहिए था दक्षिण हरियाणा से, अब समर्थकों को याद आया है जब एचआर न्यूज ने मुद्दा उठाया बड़े जोर शोर से कि नायब सिंह सैनी को बना दिया गया, ओबीसी बनाना था बीजेपी को, तो राव को क्यों दरकिनार किया, क्या राव सिर्फ हर बार चुनाव जिताने के लिए है, या वाकई में राव चुनाव नहीं जीता पा रहे, बीजेपी अपने दम पे जीत रही है, राव ही बीजेपी के दम पे चुनाव जीत रहे हैं इसलिए बोल नहीं पाते हैं, जब हक मांगने की बारी आती है तो राव की जुबान नहीं खुलती, राव कुछ बोलते नहीं है, और समर्थक चिल्लाते हैं राव को सीएम दक्षिण हरियाणा से, राव आया भाव आया, अरे नारे आप बड़े बड़े लगा रहे हैं, और जिसको बोलना चाहिए जिसको हक मांगना चाहिए वो मांग नहीं रहा है, फिर ये क्या दोहरी नीति पे काम किया जा रहा है, वो भी राव जी भी राव के सिपाही हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि हाँ हो गई चूक, होना चाहिए था यहां से। मोहन जी, आपने एक ही बार में बहुत सारे प्रश्न एक इकट्ठा करके पूछ लिए, मैं सिलसिले एक एक चीज का जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले तो बनवारी लाल जी का मुद्दा जो उठा, प्रवीण भाई ओबी जी ने उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, ये उसके बधाई के पात्र हैं, चलो इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कोई मुद्दा उठाया उसमें पहल की। 2014-15 जो चुनाव हुए उसके अंदर बनवारी लाल जी को टिकट दिलवाई, उन्होंने कहा उस टाइम तक तो राव के सिपाही थे, तो क्या 2019 तक आते आते राव की रियासत के सिपाही को छोड़ के वो सिपाही वो आगे जाके सिपाही सालार बन गया, स्वयं सिपाही सालार अगर वो बन गया और वो गलत था, अगर इनकी पार्टी इनकी लीग से बाहर चल रहा था तो उसका कभी विरोध नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा, प्रवीण जी ने हमारे भाई ने ये कहा कि राव साहब कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते,
मुझे एक चीज बताइए, वो कांग्रेस में रहे जब कांग्रेस के खिलाफ बोले, भारतीय जनता पार्टी में 14 से 19 के बीच में रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बोलते तो इनडायरेक्ट बोले, मगर जब ये भ्रष्टाचार के मुद्दे कहीं आते हैं, पार्टी की गलत नीतियों की बात आती है, इलाके के पिछड़ेपन की बात आती है, इलाके का हक खत्म होने की बात आती है, जब राव साहब कहीं नहीं बोलते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप मान के चलिए। एम्स का मुद्दा कितने लंबे टाइम चला, जैसे तैसे करके, मैंने आपसे पहले भी कहा था अब एम्स का शिलान्यास होगा जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, उससे पहले शिलान्यास होगा ही नहीं, चाहे किसान कितने धरना प्रदर्शन कर ले, चाहे कितने ही बयान विपक्ष के लोग दे ले, कितने ही बयान सत्ता पक्ष के लोग दे ले, क्योंकि इसको इन्होंने इस इलाके के लिए चुनावी एजेंडा बनाना है। अब हम एम्स ला रहे हैं, इसके बाद की जो घोषणाएं हुई थी उन एम्स के काम चालू हो गए, मगर इस एम्स का नहीं हो पाया, उसको जान बूझ कर किसी ना किसी प्रक्रिया में उलझा के रखा। दूसरी बात, अब बनवारी लाल जी के महकमे की बात करते हैं। अगर बनवारी लाल जी के महकमे के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो सबसे पहले सरकार का नैतिक कर्तव्य था और बनवारी लाल जी का था, उनको महकमे से या तो बर्खास्त किया जाता या वो खुद स्वयं इस्तीफा देते, पर दोनों ही सूरत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा, मैंने एक बयान पहले भी दिया था, अगर बनवारी लाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेज पर अगर मंच साझा करते हैं तो जनता को एक ही चीज में समझ जाना चाहिए, अब इस भ्रष्टाचार में केवल बनवारी लाल लिप्त नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको हिस्सा बांटा जा रहा है, तभी यह मंच साझा किया जाएगा, और इसलिए सब उस बात पे चुप्पी साधे रहेंगे, और ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए। अब प्रधानमंत्री की सभा में इस मुद्दे पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, तो ये इशारा करता है अब सरकार को सब कुछ पता है, पर वो जान बूझ कर इन मुद्दों को जनता के सामने सच्चाई को नहीं लाना चाह रही। अब बात आगे आपने कही इलाके की, प्रधानमंत्री जी हमारे यहां आके हमारे सांसद साहब को मित्र कह गए उससे कुछ टाइम पहले, तो ये जैसे ही मित्र कहा तो लोगों के दिमाग में अंदेशा जरूर गया, अगर मोदी जी जिनको अपना खास बताते हैं उनकी पीठ में छुरावो हमेशा घोपते हैं, वो किसी के जल्दी किसी के बाद में, वो किसका नंबर कब आता है वो समय और समीकरण पर डिपेंड करता है। राव साहब का उनको विकल्प नहीं मिला दक्षिणी हरियाणा में, वरना यकीनन उनके साथ भी वही होना था जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ हुआ और जो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ, और अन्य कई ऐसे उदाहरण पूरे देश में आप दे सकते हैं। तो ये बात रही, अब मुद्दा प्रधान हमारे कैबिनेट चेंज हुई पूरी हरियाणा की, विधानसभा भंग करके नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आप मुझे बताइए अब जब दक्षिणी हरियाणा के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, अब यहां से जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो चुनाव के समय तक मुद्दा उठाया जाता है और मुख्यमंत्री बनाएंगे बनाएंगे, मुझे भी एक अंदेशा लग रहा है अब जो राव समर्थक जो लोग हैं वो हमारे आपके कहने के बाद अब यहां से राव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते वो बोलने लगे, अरे 4.5 साल तक क्या उनको याद नहीं था अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पिछले चुनाव में मुद्दा उठा अगर राव को मुख्यमंत्री इस बार बना सकते हैं, 2014 के चुनाव में मुद्दा उठा अब उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पूरे 5 साल पिछले सत्ता के निकल गए, 4.5 साल ये निकल गए, इससे पहले क्या कभी राहुल को या उनके समर्थकों को याद नहीं है अगर मैं मुख्यमंत्री के लायक हूं और मैं इलाके की आवाज उठा सकता हूं, मगर अब चुनाव फिर आ रहे हैं इसी बात को फिर से कैश किया जाएगा और ये मुद्दा फैलाया जाएगा, मतलब ये चुनाव जीतने का एक एजेंडा बना लिया इन लोगों ने, हर चुनाव के वक्त राहुल सीएम का चेहरा होंगे, दक्षिण हरियाणा से निकल के चंडीगढ़ की कुर्सी जाती है, सरकार बनती है, मतलब एक ओरा खड़ा करने की, हर चुनाव में एक ओरा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हक मांगने की अब बारी आती है, 14 में भी राव के पास इसी शर्त पर वो गए थे और इसी तरीके का प्रचार किया था कि भाई सीएम फेस है वो सीएम बनाए जा सकते हैं, और जब अब आपने देखा होगा 6 लोगों के नाम घोषित किए, उनमें 3 लोगों को तीसरी बार टिकट दी गई है, तो ये डर सता रहा था बीजेपी को कि कहीं 3 ना भाग जाए, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जिस तरीके से हिसार लोकसभा से इस्तीफा दिया है, बीजेपी छोड़ करके आए हैं सांसद, वो तो वो डर था कि ये भाग ना जाएंगे तीनों चारों, ये जो टिकटों का उसी को लेकर के एक दबाव बनाने की अब कार्यकर्ता निकल के आ रहे थे कि आप देखा होगा आपने लगातार 2-3 दिनों से जैसे हमने चलाया, हमने एक आवाज उठाई थी कि राव को क्यों नहीं ओबीसी का अगर चेहरा है तो ओबीसी बनाना था तो राव को बनाते, फिर क्यों कार्यकर्ता निकल के आ रहे चुनाव के वक्त, चुनाव 4.5 साल कार्यकर्ता कहां सो रहे थे मोहन जी, 3 नहीं 4 पूर्व सांसदों को टिकट दी गई है, सांसद जो थे उनको 4 को दी गई है, एक की धर्मपत्नी को दी गई, एक ही बात है, आप जब सांसद में से ही मुख्यमंत्री बनाना था, विधायक दल विधायकों में से अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाना था हरियाणा के लिए,
तो मुझे लगता है सबसे अगर किसी की बात आती है तो राव साहब को बढ़ाना चाहिए था। जब हर दो लोकसभा चुनाव में आपने उनको मुख्यमंत्री के लिए नारे लगवाए, इलाके ने उनको इसी समर्थन पे जिताया, अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जब दो बार जनता के साथ धोखा हो चुका है, अब तीसरी बार फिर उसी मुद्दे को लाया जा रहा है। पर ये मुद्दा और कहीं से नहीं आ रहा, ना पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ना राव खुद कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तो उनके जो अपने समर्थक लोग हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, राव के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए ये सब तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब चुनाव आ रहे हैं किसी तरह से फिर से एक बार ये मुद्दा लोकसभा के चुनाव में बढ़े और हम लोगों के बीच में जाए, और वरना 4.5 साल के कार्यकाल में कभी राव ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। अनिल विज जी थे, उनको टीस थी, वो छोड़ के चले गए बीच में अपनी वहां की मीटिंग को, उन्होंने अपना गुस्सा या जो भी विरोध था वो जाहिर किया। ऐसा कभी आपने सुना है इस तरह का विरोध जो दावेदार उसने कभी जाहिर किया हो? नहीं, बोबी राव जी अभी एम्स का शिलान्यास था, वहां क्यों नहीं राव के नारे लगे कि राव को मुख्यमंत्री बनाया जाए? आज ये कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं नंबर बनाने के लिए। मोहन लाल जी सुनिए मेरी बात, हमारे यहाँ पे राव के कार्यकर्ता कोई किसी नंबर के लिए किसी के लिए जिंदा नहीं है, ना किसी राव का कार्यकर्ता का व्यवसाय पार्टी के वजह से चल रहा है, पहली बात तो ये की है। दूसरी बात है कि ये सर्वविदित है, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सर्वविदित है, पूरे हरियाणा में पता है राव साहब की क्या स्टैंडिंग है, राव साहब की दक्षिण हरियाणा में कितनी पकड़ है। ये एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि हम बताएंगे भी नहीं राव साहब को, तो हम तो भाई इसके राव साहब के लिए कोई इलेक्शन कैंपेन के लिए हम उनको हवा बढ़ा रहे हैं, हमें कोई हवा बढ़ाने की नहीं है। वो भी राव जी देखिए, आप जो सब यूज करते हैं मेरे को यहाँ दिक्कत हो जाती है, आप कहते हैं सूरज का, अरे सूरज अपनी चमक दिखाए ना भाई, कैसी बात है आप? सर सुनिए, हर एक पार्टी के अंदर विभीषण प्रकार के लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, विभीषण का काम करते हैं। राव साहब चुप रहे थे, ये एक अप्रत्याशित चेंज हुआ, तो इसमें उम्मीद थी कि चलो भाई पार्टी हाईकमान राव साहब की निष्ठा देख तो करेंगे। हमने तो 10 साल से पूरे निष्ठा से रुके हुए, हमने आप जो कह रहे हो पार्टी के सत्ता तो हो ही रहे हैं चाहिए थी, सांसद तो वहां थे ना, अरे कांग्रेस में भी आप सांसद थे। सर सुनिए तो सही, हमारा हक है, हक के लिए हर एक कोई आदमी बोलता है, हमें बुरा लगा, हमने कहा हम हक मांग रहे, और बताओ उसके अलावा किस बीजेपी वाले ने, हम तो चलो 10 साल पहले ज्वाइन हुए थे, और भी यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता है बीजेपी के, हमसे पहले कार्यकर्ता है पार्टी के। मैं यही कह रहा हूँ 12 तारीख के बाद सबको याद आया सीएम बनना चाहिए जब एचआर न्यूज ने डिबेट में आपकी से बात की। अरे मुलाजी सुनिए मेरी बात, राव साहब का कोई वर्कर मलाई नहीं खा रहा, मलाई खा रहे हैं बीजेपी के वर्कर, राव साहब के नाम से मलाई खा रहे हैं, राव साहब के नाम से सत्ता भोग रहे हैं। इन लोगों ने कभी जिंदगी में सत्ता नहीं देखी थी, राव साहब पार्टी में आए हैं तो राव साहब की वजह से ये लोग सत्ता भोग रहे हैं, और राव साहब की वजह से ये लोग मलाई खा रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता जैसे भी हैं, लुटते हैं, पिटते हैं, हम कोई काम नहीं करवाते, ना कोई कहते हैं यहाँ से, हम तो उनके साथ खड़े, पहले भी खड़े करवा दे। सहकारिता विभाग का जिक्र आप करते हैं, आपने फाइलें खोली, आपने कहा घोटाला हो रहा है, उसको भी राव ने कर दिया थे, वो भी राव के कार्यकर्ता थे, कभी टिकट दिलाने वाले राव ही थे उनको। मोहन लाल जी सुनिए मेरी बात, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ राव इंद्रजीत सिंह का, मैंने आवाज उठाई थी, अगर इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं में या वर्करों में या बड़े लीडरों में थोड़ी भी शर्म है तो चल्लू भर पानी में उन्हें डूबरना चाहिए, उनको मेरा साथ देते, साथ खड़े होते तो आज ये बनवारी लाल भी जेल के अंदर होता और ये बनवारी लाल जी को मंत्रिमंडल नहीं मिलता। मगर बीजेपी के जो यहाँ के जो पुराने कार्यकर्ता है और जो बीजेपी के लीडर है, जो लोग टिकट के इच्छुक है बाबल से, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। भाई मैं यही कह रहा हूँ, आपका साथ तो राव को देना चाहिए था सबसे बड़ा, अगर ईमानदारी की बात करते हो, राव ईमानदार थे, सबसे पहले आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। वो भी राव ने मामला खोला, एसीबी जांच कर रहा है, तो मंत्रिमंडल राव साहब दबाव बनाते बनाने लगे। मैं लड़ाई लड़ने में सक्षम था, लड़ाई लड़ी, मैंने राव साहब का सहारा नहीं लिया, मुझे पता था कि अगर राव साहब का नाम इसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा या सहारा लूंगा तो ये जो चंद जो यहाँ के जयचंद है बीजेपी के अंदर, जो हमारे बारे में उठपटांग 10 साल से बोलते हो गए और बोलते रहेंगे, वो सबसे पहले विरोध में खड़ा होते, और उनने बगैर कहे उनने तो विरोध में साथ दिया, बनवाई लाल जी का सबने बनवाई लाल जी का साथ दिया है, तो मंत्रिमंडल, अरे भैया तो दोबारा मंत्रिमंडल में ले लिया, दोबारा मंत्रिमंडल
सर अगर मंत्रिमंडल में लिया है तो ये तो जिला कार्यकारिणी को चाहिए था कि इस बात का विरोध करते पार्टी में कि जी ये एक लीडर है इसकी पार्टी में। बॉबी राव जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, बीजेपी में तो पार्टी जो पार्टी की जिले की कार्यकारिणी थी उनको अवगत करना चाहिए था कि जी इस आदमी की इमेज खराब हो चुकी है, पार्टी को नुकसान होगा, कृपा करके इसको मंत्री ना बनाओ। मगर मैं वही सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी में कह रहे हैं इसकी बात हो रही है। अरे एक एक भ्रष्टाचारी को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, सारे जितने अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारी थे सारे बीजेपी में आ रहे हैं, मोदी के मंच पे नजर आ रहे हैं। आप एक मंत्री को गा रहे हो, आप बताइए कौन सा महाराष्ट्र से अजीत पवार, कौन सा ऐसा है चौहान आ रहे हैं, तमाम आरोप लगाते हैं फिर वो मंच पर मिलते हैं पार्टी में मिलते हैं, तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि बीजेपी इनको निकाल देगी, बदला देगी। मोहनलाल जी सुनिए, मैं ना तो महाराष्ट्र में कुछ कर सकता ना किसी स्टेट में कुछ कर सकता, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं जिस जिले का वासी हूँ उस जिले के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं 4-5 साल से लग रहा हूँ, मैं बगैर किसी निस्वार्थ इस बात में लग रहा हूँ कि मेरे जिले के गरीब लोगों के लिए, मेरे जिले के ग्रामवासियों के लिए या शहर के लिए अगर कोई कहीं पार्टी लेवल पे या कोई मंत्री या कोई अफसर भ्रष्टाचार करता है तो मैं उसकी बात उठाऊंगा और मैं लगातार बात उठा रहा हूँ। अरे भाई बॉबी राव वही सवाल कर रहा हूँ मैं, आपको चिंता है इलाके की, आपके सांसद मोदी को नहीं है क्या, उनका इलाका नहीं है कि भाई कह रहे हैं कि इलाके का जो खजाना था वो कोई और खा गया, इलाके के ग्रामीण लोगों को मिलता था, गांव के लोगों को मिलता, इलाके का भला होता, रोजगार मिलता लोगों को, वो पैसा चला गया। आज सिपाही को चिंता है, राजा को चिंता नहीं है। राजा ने सांसद महोदय ने तो जो जिले के अंदर जो ग्रांट आई थी ये ग्रांट सांसद महोदय की वजह से ही आई थी सर। मिली कहाँ लोगों को? सांसद महोदय को चिंता थी तो सांसद महोदय ने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट था अपने ही स्टेट के और अपने ही जिले में पैसा भिजवाया था। एक बार विनय जी को जोड़ लेते हैं क्योंकि विनय जी इसमें बड़ा संक्षेप में बताएंगे। विनय जी ये लगता बॉबी राव जी भी कहते दोहरी नीति पे काम करते, एक तरफ मैं राव का सिपाही हूँ, राव पैसा लेकर के आए, पैसा लोगों तक पहुंचा भी नहीं, राव बोलते भी नहीं है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इतना बड़ा मामला खोलने के बाद तो कार्रवाई होनी चाहिए, और आप बार बार जिक्र कर रहे हैं मंच पर मिले। अरे भाई मंच पे तो भाजपा के तो सारे भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं आजकल, जितने आप लेकर के आ रहे हो तमाम कोई राजी खुशी आ रहा है क्या, दबाव में आ रहे हैं। तो जी आपने देख लिया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदा मिला है कि आज ईडी की रेड गिरती है अगले 2 दिन में वो चंदा देता है, तो क्या तमाम ये कहे के एक नेक्सस काम कर रहा है पूरा पैसा कमाने के लिए, पार्टी फंडिंग के लिए, किसी को दबाओ, किसी को ब्लैकमेल करो, किसी पे छापा डालो और कल उससे फंडिंग ले लो। ये तो जैसे पहले हम सुनते थे जब मैं मीडिया के अंदर आया था तो बोलते भाई मीडिया वाले इस तरीके से करते हैं, भाई खबर छाप देंगे आपकी, आप एड दे दीजिए, तो ये तो सरकारों ने ये रास्ता इख्तियार कर लिया लगता है। मोहन जी एक कहावत आजकल सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे कई बार देख ली मैंने, देश में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में उसकी उतनी डिमांड भारी, मतलब जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है भाजपा में उसको उतने ही स्वागत साजो सामान आवाभगत के साथ लिया जा रहा है, ये आजकल चल रहा है, ये ट्रेंड है। दूसरी बात कर रहे हैं बनवारी लाल जी की, मुझे एक चीज बताइए, जिस महकमे में घोटाला हुआ हो उसी महकमे के आदमी पे बॉबी राव जी ने आरोप लगाया, प्रत्यक्ष लगा रहे हैं, मैं अप्रत्यक्ष भी नहीं कह रहा, अगर साहब ये नाम लेते हैं बनवारी लाल जी का, अगर वो ही मंत्री पद पे रहेगा तो क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी? 100% जांच प्रभावित होगी, उसी का नतीजा है। अब केवल वहां के कर्मचारियों पर और अफसरों पर गाज गिराई जा रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको बचाया जा रहा है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही अगर इनको हम किसी तरह से पद पे नहीं रहने देंगे और फिर उसके बाद निष्पक्ष जांच कराएंगे, तो ये एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, अब ये जो खाया कमाया है जो महकमे ने कमाया उसमें हिस्सा हमारा मिल गया है, इसलिए इस मुद्दे को धीरे करके जनता गौण कर देगी। चैनल वाले भी कितने परिवार में शामिल कर लिया था, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ अभी नया नारा चला मैं भी मोदी जी का परिवार। अरे मुझे एक चीज बताइए, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भी मोदी जी का परिवार का स्लोगन अपने साथ लगा रहे हैं, आम जनता कम लगा रही है, वो ज्यादा लगा रहे हैं जिनको निजी हित वहां से होना है, तो क्या इन्हीं लोगों के लिए परिवार में जगह है क्या? दूसरों के लिए जगह नहीं है, जो किसान शहीद हुए उनके लिए जगह नहीं है, खिलाड़ी बेटियों के लिए जगह नहीं है परिवार में, वो ज्यादा नजदीकी से आ रहे हैं, अब जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार करके भाजपा में आ रहा है अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आप इलाके की कर रहे थे, अभी इलाके के मंत्री हैं
अब मुझे एक चीज बताइए, अब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, बोबी राव जी ने कहा कि हमारे सांसद साहब इसके खिलाफ है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे पार्टी लाइन से, पर हम बोल रहे हैं। अगर अब लोकसभा चुनाव में बनवारी लाल जी सांसद के लिए वोट मांगते हैं, वो मत साझा करते हैं, तो उसका इशारा क्या समझे जनता, बताइए आप मुझे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को लपेट दिया बोबी जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो जिला अध्यक्ष है, सब है, वो क्यों नहीं बोलते, सब दबे हुए हैं, वो सब पार्टी लाइन से दबे हुए हैं। तो मुझे एक स्टेटमेंट हमारे सांसद साहब की बताइए, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए ना, तो उनको इनडायरेक्ट लपेट दिया इन्होंने, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कह दिया, जब पूरी भाजपा को ही भ्रष्ट इन्होंने बता दिया है, कोई खड़ा नहीं हो रहा जांच के लिए, किसी तरह से नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब क्या है, पूरी की दाल ही काली है, दाल में कंकर नहीं है, एक आधी दाल में पूरी दाल ही काली है, इसका मतलब तो यही इंगित हो रहा है। तो चलिए बोबी राव जी अब ये भी बता दीजिए, चलते चलते लोकसभा चुनाव में राव को झेलना पड़ेगा ये सहकारिता विभाग के मामले का दंश, क्योंकि देखिए आवाज तो उठेगी, मंच भी साझा करेंगे, फिर कहां जाएंगे राव साहब, और दिखेंगे आपको बहाना बनाते हुए, वोट मांगते हुए। मोहन लाल जी सुनिए, विनय भाई ने जो बात कहा बनवारी लाल जी का, तो अगर पार्टी इलाज नहीं करती है तो जनता इस बार इलाज करने के लिए तैयार बैठी है, जहां तक मुझे उम्मीद है अगर पार्टी ने इनको टिकट दे भी दिया तो बनवारी लाल जी की यहां से बावल कॉन्स्टिट्युएंसी से इस बार जमानत जब्त होने वाली है, पार्टी को भैया मोदी लहर में कौन कराएगा, वो मोदी के सारे जीतेंगे, नायब सैनी के सारे जीतेंगे, किसका सारे जीतेंगे, मोदी की लहर के सारे जीतते हैं, पहले जीतते हैं। मैं आपको आज, चलो आज आपने जब इतनी बात कह रहे हो तो मैं आपको आज एक बात का आश्वस्त करता हूं कि बावल की जनता, हमें गांव गांव जाना पड़ेगा, मेरे भी साथी लोग हैं, मेरी भी अच्छी जानकारी है, पकड़ है, साथी लोग हैं, 40 साल 35 साल मुझे भी घूमते हो गए, मेरी भी राजनीति में पकड़ है, मेरा भी संपर्क लोगों से है, तो हम गांव गांव जाएंगे, टीम खड़ी करेंगे, और बनवारी लाल जी का काला चिट्ठा है गांव में, एक साथ में कैंपेन चलाएंगे भ्रष्टाचार की। दूसरी बात, तो मैं 2019 में भी उनके खिलाफ कैंपेन चला था, विरोध हुआ था, नहीं चला था, अरे सर नहीं चला था, मोहन लाल जी नहीं चला था, कैंपेन कैसे चलता है, हम आपको कैंपेन चला के दिखाएंगे इस बार, मैं आपको राव कैंपेन देंगे, सुनिए 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 मेरी बात, मेरी एक इंडिपेंडेंट सोच है, ठीक है मैं राव का भगत हूँ, ठीक है मैं राव के साथ हूँ, मगर राव के मैं इलेक्शन के राव की नीतियों के साथ हूँ, राव साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अगर राव साहब मुझे कहेंगे कि बनवारी की मदद करनी है या बनवारी के लिए नहीं करना है, मैं कतई इस बात को नहीं मानूंगा। दूसरी बात, मैं आपको आपके संज्ञान में आज मैं एक बात और आता हूं, इन मास्टर जी ने, मंत्री जी ने क्या किया है, एक बावल की महिला है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उनका मैं, क्योंकि भाई कोर्ट की डायरेक्शन है या सरकार की डायरेक्शन है, किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है उसका नाम लेना चाहिए। उस महिला को बनवारी लाल जी के महकमे के जिले के एक आला अधिवाड़ी जिले के आला अधिकारी, वो यहाँ पे जिले के एक उच्च अधिकारी के रूप में पोस्टेड है, उन महिला ने दरखास्त दी थी कि इस अफसर ने मुझे बार बार दफ्तर बुलाया और दफ्तर बुला के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। ये बात है फरवरी 8-9-10 फरवरी के आसपास की बात है। उसने दरखास्त दी सीएम विंडो पे, जब मेरी संज्ञान में बात आई तो मैंने बनवारी लाल जी, चूंकि मेरे को कभी कभार व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो मैंने वो दरखास्त उनके व्हाट्सएप पे भेज दी और मैंने लिख के भी भेजा कि ये आपकी बावल कॉन्स्टिट्युएंसी की महिला है, आपके सपोर्टर है, आपके समर्थक है, इनके साथ अफसर, आपके महकमे का अफसर ये अत्याचार कर रहा है, मेरे पास व्हाट्सएप पे इनकी सारी चैट मौजूद है बनवारी लाल जी की, मैं जब भी मौका मिलेगा दिखा दूंगा। तो बनवारी लाल जी ने लिख के भेजा मुझे यहां से कि मैं आई विल टेक एक्शन और मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। आज सीएम विंडो को उसको एक सवा महीना बीत गया, सवा महीना बीतने के बाद आज हालात ये हो गए हैं कि बनवारी लाल जी ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके और उस अफसर को बचाने के लिए महिला के खिलाफ अपराध हुआ है, तो उसकी जांच एक महिला, कोई भी महिला अधिकारी करती है, एक महिला अधिकारी को देने के बजाय रिवाड़ी पुलिस से दबाव डालकर जांच अधिकारी एक मेल अपॉइंट करवा दिया, मतलब कि एक पुरुष उसकी जांच करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, एक पुरुष को एक महिला
अपनी आप बीती है, उसके साथ शोषण हुआ है, वो कैसे बताएगी? हक हार कर उसने उसको फोन किए, दो चार बार गई तो उसने अपने बयान कलमबंद करवा दिए, कलमबंद करवा दिए, तो उन अधिकारीगण ने रिसीविंग कॉपी ली है जिसपे उसके जो जांच अधिकारी है उसके दस्तक मौजूद है, जो कि एक पुरुष है। तो ये तो बनवारी लाल जी हल्के के जो अपने मतदाता है, पहले तो पैसा लूट लिया उनका, अब उनकी जो बहन बेटी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो अत्याचार भी बनवारी लाल करवा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि बावल की जनता इतनी मूर्ख मूर्ख नहीं है। हम उस इलाके की बहन बेटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, गांव गांव जाएंगे। बनवारी लाल का असली चेहरा क्या है? पहला चेहरा तो दिख गया कि उसने पैसे के लिए एक औरत के, एक महिला के ऊपर बढ़ाने के लिए या उसको करोड़पति बनाने के लिए इस इलाके का पैसा लूट लिया, और अब यहाँ अफसरों को खुश करने के लिए, अपने महकमों के अफसरों को खुश करने के लिए यहाँ की बहन बेटियों के साथ जांच होगी, क्या निकल के आएगा, क्या मामला दर्ज होगा वो देखेंगे। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है, विनय जी का भी सवाल यही है, तो इसके मतलब अब की बार से सांसद साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट उनको बीजेपी से मिल गई है, वो प्रचार प्रसार करेंगे तो बनवारी लाल जी मंच पे नजर नहीं आएंगे? देखो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं अपना विरोध जरूर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सुनिए मोहनलाल जी, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे कहने कथनी में कोई फर्क नहीं है। मैं, मेरे पे दबाव डाला गया, क्या आप समझते हैं कि मेरे पे दबाव नहीं आया होगा, या सरकार का दबाव नहीं आया, या कोई बीजेपी के और कहीं से मेरे पास दबाव नहीं आया मंत्री के खिलाफ बोलना, क्या मैं चुप बैठा होगा आज तक मैं? तो फिर बताइए मुझे, तो फिर ये मान लिया जाए कि अब कुछ नहीं होगा, प्रमोशन पे प्रमोशन होगी, जो विनय जी कह रहे हैं कि नहीं प्रमोशन हो गई, तो ये तीन चार महीने का प्रमोशन है, चार महीने के बाद इलाके में बनवाया जाएगा, क्या पता उसके बाद सीधा सीएम ही बना दे उठा करके, आप कैसी बात कर रहे हो? सकता है तो बीजेपी कहीं चूक गई, ओबीसी की बजाय अगर कुछ और होता, सीएम बनाना होता तो बनवारी लाल जी पहले नंबर पे थे। सर आप पत्रकार हैं, आप तो इनको देश का राष्ट्रपति बना सकते हो, आप इसको सीएम की बात तो करें, बनवारी लाल जी सर सुनिए, बनवारी लाल जी तो सर पीएम कैंडिडेट है, मोदी के बाद तो मोदी जी के बाद पता चला कि उनके उत्तराधिकारी में उन्हीं का नंबर है, या हो सकता है देश के अगले राष्ट्रपति में इनका नंबर है। और भाई मीडिया तो कुछ भी ला सकती है, कुछ भी पता चला रही है भाई, जब देखिए जब नेतृत्व तो कमजोर हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं करे, प्रमोशन पे प्रमोशन मिले जी बता रहे हैं थोड़ा। हाँ जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, समय का अभाव है भाई की बात से, मीडिया कुछ भी ला सकती है, जिस तरह से अंधभक्त मोदी मीडिया सब कुछ ला रही है, हकीकत और जो वास्तविक मुद्दे है देश के उनपे कोई चर्चा नहीं होती, केवल उनका व्याख्यान और बढ़ाई करने में, क्या पहना है, कितने का पहना है, क्या हुआ, ये कर रही है। देखो भ्रष्टाचार भाजपा में नारा नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी एक स्पेशल महकमे का पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ के बनवारी लाल जी किसी महकमे के हैं तो उनके जो कर्मचारी अधिकारी है वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं कर सकते, ये उनका नैतिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर भाजपा को लगता वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो वो बनवारी लाल जी को दरकिनार करके, चलो उस समय उन्होंने इसलिए नहीं किया, अब उस बात से सिद्ध हो जाता अब भाई भ्रष्टाचार भाजपा के भी मंत्री हैं वो कर रहे हैं, मगर अब जब मंत्रिमंडल चेंज हुआ तो बनवारी लाल जी को वो ना बना के, हमारे यहाँ से लक्ष्मण यादव थे पार्टी लाइन पे है, बहुत पुराने नेता है, यहाँ से बीजेपी के पुराने वर्कर है, विधायक है, इस एरिया से बना देते, एससी को कहीं बनाना था तो अन्य क्षेत्र से एससी को बनाते, वो इलाका भी खुश हो जाता, अब भाई हमारे इलाके का मंत्री एससी बनाए और हमारे यहाँ का भी एक अहिर मंत्री बन जाता, उसका भी फायदा मिलता और ज्यादा ही प्रभाव देना था, तो हमारे माननीय सांसद को बनाते मुख्यमंत्री। मैं पहले भी कह चुका हूँ 2019 के चुनाव में मैंने वोट दिया, मैं कब मना करता हूँ, तब भी यही नारा था और हमारे सांसद साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इलाके ने वोट दी, मैंने उनके साथ मन साझा किया। चलिए बात में गुरेज नहीं, समय का अभाव, देखिए हमारे पीछे से आवाज आ रही है बार बार के टाइम हो गया है, हो सकता है 29 में राव को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि अभी तो नंबर आने की उम्मीद लग नहीं रही है, और एक मौका था जो अभी जैसे सरकार पूरी हटा करके नए सिरे से सरकार बनाई गई है, इस्तीफा दिलाया गया है पूरे मंत्रिमंडल का और नए सिरे से, उसमें भी नंबर नहीं आया, 29 तक आप उम्मीद मानिए, लेकिन समर्थक जरूर नारेबाजी लगाते रहे, उनमें जोश बना रहे कि राव मुख्यमंत्री बनेंगे,
और मीडिया भी इसी तरीके से आवाज उठाता है, लेकिन जरूरत यह है कि समय पे आवाज कौन उठाता है। समय पे आवाज उठाते तो ये तमाम हक अहिरवाल को मिल जाते, राव मुख्यमंत्री बन जाते, 14 में बन जाते, 19 में बन जाते। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी समय पे आवाज नहीं उठाता तो वो पिछड़ जाता। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े और मुद्दे लगातार इसी तरीके से आते रहेंगे। अपडेट के लिए आप मिलते रहे, देखते रहे एचआर न्यूज को। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।